ड्रोन प्रोपेलर बनाने के लिए हम इस लोहे की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। आप इस पत्ती को बाहर हार्डवेयर की दुकान से खरीद सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे आने वाली वीडियो को देख पाएं। सबसे पहले हम इस पे मार्किंग करेंगे। मैं 7 मीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और दूसरी तरफ भी 7 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। बीच में हम 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ देंगे जो कि हमारा सेंटर पॉइंट होएगा। अब हम बाकी हिस्से को काट देते हैं। इनके बीच में ये जो गैप है ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहीं पे हमारी मोटर लगेगी। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं से हमारा फिर प्रोपेलर बनेगा पूरा। अब हम 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पर इसके रखकर, और इसको खींच देंगे और दूसरी तरफ भी ऐसे करना है। लाइन इसकी सिदाई में होनी चाहिए, नहीं तो हमारा पंखा काम नहीं करेगा। और अब स्केल को दूसरी साइड रख के स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। दोनों तरफ हम ऐसे ही कर देंगे और ये ज़िगज़ैग लाइन बन जाएगी। देखिए आप, ये ज़िगज़ैग बन चुकी है। अब एक क्रॉस लगा देंगे यहाँ पर, क्रॉस लाइन खींच देंगे। अब हम सब इन पार्ट्स को कट कर देंगे। तो अब हमारा ये प्रोपेलर तैयार हो गया है। अभी इसमें थोड़े काम बाकी हैं। पहले अब हम इसके साइड से मोड़ देंगे ताकि हवा को पीछे फेंके। मैं इसके लिए पेन का ढक्कन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोई भी कोई चीज़ ले सकते हैं इसी पंखड़ियों को मोड़ने के लिए। ज़्यादा नहीं मोड़े, बस थोड़ा सा मोड़े। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा प्रोपेलर तैयार हो गया। अब हम इसके बीच में होल कर देंगे और ये मैंने पेन में से लिया। हम इसको इसके ऊपर चिपका देंगे जिससे हमारी मोटर इसमें फिट हो जाएगी। अब इसे ग्लू स्टिक से चिपका देंगे ताकि ये परमानेंटली यहीं पे चिपका रह जाए और हटे नहीं। तो अब हमारा प्रोपेलर तैयार हो गया। अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये हमारी 12 वोल्ट एसी मोटर है। ड्रोन मोटर बहुत तेज फेंक रहा है। आप देखिए कागज को कैसे उड़ा रहा है।